शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में शनिदेव की प्लेसमेंट्स अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, उससे पहले आपको ज़रूरी सूचना रोज़ की तरह दे दूं कि हमारा कैंप 27/11/2011 को लग रहा है, जो कि 30L मॉडल टाउन में लगेगा, जिसमें निःशुल्क टेवे बनाए भी जाएंगे, आपको निःशुल्क परामर्श भी दिया जाएगा कि आपको कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रंग परहेज करना है। कोई भी किसी किस्म का आपको किसी ने वहम डाला होगा कि इस कुंडली में कालसर्प योग है या इस कुंडली में पितृ दोष है या इस कुंडली में मंगलिक योग है, वो सारे वहमों का साइंटिफिक रीज़न बता करके, आपकी कुंडली का सही विवेचन करके आपको सही उपाय निःशुल्क बताए जाएंगे। आप में से जो जातक इसमें इंटरेस्टेड हों, सुबह 11 बजे से 5 बजे तक आकर के अपनी कुंडली दिखा करके सही एनालाइजेशन करवा लें, और जो जातक सीखने के इंटरेस्टेड हों उनके लिए फॉर्म्स हमारे इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल हो चुके हैं, वो आकर के फॉर्म्स कलेक्ट कर लें और जो उसका प्रोसीजर है वो समझ लें, वो एडमिशन हो जाती है तो दिसंबर में हम उनकी क्लासेस जरूर शुरू कर देंगे। दर्शकों, ये बात याद रखिए कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल देवता ने शनि देव को एक कर्म का डिपार्टमेंट दिया, एक लाभ का डिपार्टमेंट दिया, यानी प्रोफेशन दिया, बड़े भाई बहन हाउस ऑफ गेन्स फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, और छोटी मोटी बीमारियों का डिपार्टमेंट शनि देव को दिया। तो शनि देव मेष लग्न की कुंडली में एक समग्रह माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि दो अच्छे भावों के मालिक जो जातक चाहता है, और लग्नेश के अति शत्रु होने की वजह से शनिदेव को समग्रह गिना जाता है। दर्शकों, याद रखिए, अगर शनिदेव लगन में ही पड़े हों तो वो नीच के गिने जाते हैं। जातक के हेल्थ में प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं, उसके सर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर आती है, सर पे चोट लगने का रिस्क भी रहता है, तो यहाँ शनिदेव नेगेटिव रिजल्ट देते हैं क्योंकि वो नीचता में आ गए। यहाँ से दृष्टि डाली शनिदेव ने तीसरे भाव पर, तो छोटे भाई बहनों से कला कलेश, फजूल की मेहनत, छोटी मोटी यात्राएं होती हैं। यहाँ से नीच के शनि की दृष्टि पड़ी सप्तम भाव पर, तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम्स, और डेली वेजेस को हिट करना। यहाँ से दशम दृष्टि जो शनिदेव ने दसवें घर पर डाली, तो दसवें घर के रिगार्डिंग यानी काम काज के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं शनिदेव। शनिदेव दर्शकों दूसरे भाव में पड़े हों, यानी शुक्र देव की साधारण राशि में पड़े हों, वाणी उग्र करना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन परिवार का साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिलता क्योंकि शनिदेव में भी सेपरेटिव टेंडेंसी है, लेकिन लाभ का मालिक अगर धन में चला जाए या धन का मालिक लाभ में आ जाए तो एक योग बनाता है, धन कहीं ना कहीं से अर्जित ज़रूर कर लेता है। यहाँ से दृष्टि डालता है माता गाड़ी भूमि वाहन पे, तो माता की हेल्थ में प्रॉब्लम्स, माता से मनमुटाव रहना, माता से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। यहाँ से दृष्टि डालता है फजूल की ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही रहती हैं। यहाँ से दृष्टि डालता है लाभ कहीं ना कहीं से अर्जित होता ही रहता है, और बड़े भाई बहन से भी हमें फायदा मिलता है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी वो बनाई रखता है। शनिदेव तीसरे भाव में पड़े हों प्रिय दर्शकों, छोटे भाई बहन से कला कलेश मचता है, फजूल की यात्राएं होती हैं, और यहाँ शनिदेव फजूल की मेहनत भी करवाते ही रहते हैं। यहाँ से संतान पर दृष्टि डाली, तो संतान संबंधी प्रॉब्लम्स, पेट संबंधी प्रॉब्लम्स, लव रोमांस में दिक्कत परेशानियाँ, और मेमोरी में भी शाप ना होना देखा गया है। शनिदेव की नवम दृष्टि पिता पे पड़ी, यानी नवम भाव यानी भाग्य पर पड़ी, तो उसके रिगार्डिंग भी सारे नेगेटिव रिजल्ट शनिदेव ज़रूर देते हैं। धर्म को जातक जल्दी नहीं मानने वाला होता, विदेश यात्रा ज़रूर होती है, पिता से मनमुटाव सदा बना रहता है। और यहाँ से जो दसवीं दृष्टि शनिदेव की 12वें घर पर पड़ी, तो विदेश यात्रा करवाना, फजूल का व्यय करवाना, फजूल की मेंटल पीस डिस्टर्ब करके फजूल की ऑब्स्टेकल्स को खड़ा ही रखते हैं शनि देवता, बहुत अच्छा फल कभी नहीं देते तीसरे भाव में पड़े हुए शनिदेव। दर्शकों, शनिदेव अगर चौथे भाव में पड़े हों, यानी चतुर्थ भाव में कर्क राशि के हो गए, यहाँ पड़े हुए शनिदेव काम काज के लिए बहुत अच्छे हो गए, लेकिन माता की हेल्थ के लिए छोटी मोटी प्रॉब्लम सदैव देते ही रहेंगे। मकान बहुत देरी से बनेगा, गाड़ी भूमि वाहन जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब बहुत डिले होकर के मिलेंगी। यहाँ से दृष्टि डाली हाउस ऑफ कंपटीशन पे, यानी हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए खपना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करवा करके जातक की मदद ज़रूर करवाएंगे, और हेल्थ में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देंगे ज़रूर। यहाँ से अपने भाव पर, यानी दसवें भाव पर जो सातवीं दृष्टि पड़ी, उसके रिगार्डिंग पूर्णतः एडवांटेज ज़रूर देंगे। कामकाज अगर शनिदेव से वो जातक जुड़ा हुआ कर लेगा तो वो इन प्रॉब्लम से निकल के कामकाज की सेटलमेंट प्रॉब्लम प्रॉपर ज़रूर कर लेता है।
शनिदेव की दसवीं दृष्टि जो लगन पर पड़ी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी। जातक की हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम लगी रहेंगी और जातक कहीं ना कहीं थोड़ी सी इरिटेटिंग पर्सनैलिटी ज़रूर बन जाता है। दर्शकों, शनिदेव अगर पंचम भाव में पड़े हो, पुत्री का योग ज़रूर बना देंगे, हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम ज़रूर देंगे, पेट में प्रॉब्लम ज़रूर देंगे, संतान बहुत से भावों में लेट होती भी देखी गई है। बहुत से केसेस में ऐसा देखने में आया, मैरिज के साथ साथ 8-8 साल बाद संतान होती है। तो यहाँ से लवरो मास में फेलियर भी करवा देते हैं, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब करते हैं, मेमोरी को भी बुरी तरह हिट करके मेमोरी को वीक ज़रूर करते हैं, जातक को भूलने की बीमारी ज़रूर हो जाती है। यहाँ से सप्तम भाव पर दृष्टि डाली तो वहाँ के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा फल वो नहीं देते हैं, क्योंकि अपने शत्रु राशि से दृष्टि डाल रहे हैं। पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी, विवाह संबंधी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी, या विवाह में विलंब होना या डिले होना, और डेली वेजेस में भी थोड़ी बहुत परेशानी दे करके ही काम बनवाते हैं। यहाँ से दृष्टि डाली एकादश भाव में, बड़े भाई बहन से लाभ ज़रूर मिलता है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, और हर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर यानी इच्छा पूर्ति बहुत लेट होती है, डिले लटका करके होती है, डिले करके होती है, वो जल्दी रिजल्ट देने में कभी भी सक्षम नहीं होते शनिदेव। दसवीं दृष्टि जो शनिदेव की धन कुटुंब वाणी पर पड़ी उसके रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा फल नहीं देते। वाणी उग्र करना स्वाभाविक सी बात है शनिदेव की, धन का अभाव रहने वाला होता है। धन का अभाव इसलिए भी रहता है कि जातक जितना हार्डवर्क करता है उतनी उसको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, परिवार पूर्णतः उसका साथ कभी नहीं देता, थोड़ा बहुत मनमुटाव सदैव बना रहता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव में भी एक सेपरेटिव टेंडेंसी ज़रूर है, और शनिदेव की तीन दृष्टियाँ होती हैं, अपने से तीसरे घर पर, अपने से सातवें घर पर, अपने से दशम घर पर पूर्ण इम्पैक्ट डालता है। दर्शकों, शनिदेव अगर छठे भाव में पड़े हों यानी रोग ऋण शत्रु कर्जा दुर्घटना में पड़े हों तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, अपनी दशा अंतर दशा में जातक की पूर्णतः मेंटल पीस डिस्टर्ब करके, हेल्थ को प्रॉब्लम देके, कोर्ट के लिटिगेशन में फंसा के जातक की प्रॉब्लम बढ़ाते ही चले जाते हैं। यहाँ से दृष्टि डाली, ऑब्स्टेकल्स बढ़ा दी तीसरी जो शनिदेव ने अष्टम भाव पर डाली। यहाँ से सातवीं दृष्टि जो बारहवें भाव पर डाली फजूल के व्यय बढ़ा दिए। यहाँ से दृष्टि जो दसवीं तीसरे भाव पर डाली फजूल की मेहनत होती ही रहती है, और जातक की छोटे भाई बहन से कभी नहीं बनती। दर्शकों, अगर शनिदेव सप्तम भाव में पड़े हों कुंडली के यानी उच्च के हो गए, अपनी दशा अंतर दशा में या जातक की जब भी विवाह होता है तो लाभ उठा के उसने पत्नी को दे दिया, तो विवाह के बाद लाभ में वृद्धि ज़रूर होती है। कहीं ना कहीं कामकाज उठा के लाभ में दे दिया तो कामकाज में भी वृद्धि होती है, कामकाज अगर पार्टनरशिप में हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहता है जातक के लिए, और वो जातक सदैव कामयाबी तभी हासिल करता है अगर वो पार्टनरशिप में काम कर ले, और डेली वेजेस के नए रास्ते ज़रूर खुलते हैं। यहाँ से पिता पर दृष्टि डाली, वहाँ के रिगार्डिंग भी थोड़ा बहुत एडवांटेज ज़रूर देता है, क्योंकि उच्च के बाध्य हो गए हैं शनि देवता, धर्म को मानने वाला भी होता है, विदेश यात्रा करने वाला भी होता है। यहाँ से पर्सनैलिटी पर दृष्टि डाली तो एक न्यायप्रिय इंसान माना जाता है, वो न्याय जस्टिस को बहुत ज़्यादा मानता है, जो गलत है उसी को गलत ठहराता है, जो सही है उसको सदैव सही कहता है। यहाँ से शनिदेव ने जो दसवीं दृष्टि चौथे भाव पे डाली उसके रिगार्डिंग भी एडवांटेज मिलते हैं, अपनी दशांतर दशा में शनिदेव की माता गाड़ी भूमि वाहन के सारे एडवांटेज जातक को ज़रूर मिलते हैं। दर्शकों, शनिदेव अगर अष्टम भाव में पड़े हुए तो अपनी पूर्ण दशा अंतर दशा में या अपनी पूर्ण जिंदगी में ही जातक का कामकाज पूर्णता कभी सेटल होने देते ही नहीं है, क्योंकि कामकाज और लाभ उठा के खड्डे में आ गया यानी प्रॉब्लमेटिक घर में आ गया। यहाँ से ऑब्स्टेकल्स बढ़ा दी, यहाँ से दृष्टि डाली दशम भाव पर तो कामकाज की सेटलमेंट जल्दी नहीं होने देते। यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी पर, धन कुटुंब वाणी संबंधी भी जातक को प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, धन का अभाव सदा बना रहता है, वाणी सदैव उग्र रहती है, और परिवार पूर्णतः उसका साथ कभी नहीं देता। शनिदेव की जो दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी तो संतान से प्रॉब्लम, संतान बहुत डिले होती भी देखी गई है, मेंटल पीस में प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टमक में प्रॉब्लम्स आती हैं, जातक की संतान से पूर्णता बनती भी कभी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग सदा बनी रहती हैं जातक की, मेमोरी में भी वीकनेस ला देते हैं शनि देवता की दशम दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ी, उसमें भी दिक्कत परेशानियाँ खड़ी ही रखते हैं। शनिदेव अगर नवम भाव में पड़े हों प्रिय दर्शकों तो पिता के साथ अगर जुड़कर जातक कामकाज करे तो वो सदैव उसके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कामकाज को उठा के पिता पे रखा है, तो पिता के रिगार्डिंग अगर या पिता के अंडर रह के या पिता की सबॉर्डिनेशन में या पिता की गाइडेंस लेकर के ही वो कामकाज करता है तो सदैव उसको एडवांटेज मिलता है। यहाँ से लाभ पर दृष्टि डाली तो लाभ के रिगार्डिंग भी एडवांटेज, बड़े भाई बहन के रिगार्डिंग भी एडवांटेज,
छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि शनिदेव छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारक माने जाते हैं। यहाँ से तीसरे भाव पर जो दृष्टि डाली, छोटे भाई बहन से प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी यात्राएं फजूल की होकर के रिजल्ट उसका डिले मिलना, और यहाँ से फजूल की मेहनत होना या जितनी मेहनत होना उतना रिजल्ट ना मिलना, ऐसी स्थितियाँ देखी गई हैं। यहाँ से शनिदेव की जो दशम दृष्टि छठे भाव पर पड़ी, तो छठे भाव के रिगार्डिंग भी कोर्ट के इस मुकदमा लिटिगेशन हाउस ऑफ कंपटीशन में सक्सेस ज़रूर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के इस लिटिगेशन ज़रूर करवा करके इंसान की परेशानियों में बढ़ोतरी भी ज़रूर कर देते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के कारक हैं शनि देवता। दर्शकों, शनिदेव अगर दशम भाव में पड़े, यानी अपनी ही साधारण राशि में पड़े हैं, यहाँ पड़े हुए शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में या जनरल भी अगर उसके कारक जो काम हैं उसके रिगार्डिंग काम किए जाएं शनिदेव के, तो वो सदैव एडवांटेज मिलते हैं। यानी सबॉर्डिनेशन, जॉब वर्क, वकालत कर ली, MBA करके कहीं सबॉर्डिनेशन कर रहा है, ऐसे काम जो शनिदेव, या लोहे से जुड़ा हुआ काम, केमिकल से जुड़ा हुआ काम, अगर यहाँ शनिदेव डिग्री वाइज बलाबल में हुए और इनसे जुड़े हुए आपने काम कर लिए, तो वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत कामयाबी का रास्ता ज़रूर खोल देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली 12वें भाव पे, फजूल के व्यय करवाते ही रहेंगे। यहाँ से दृष्टि डाली चतुर्थ भाव में, माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव ज़रूर बना रहेगा, जातक की छाती में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। यहाँ से जो 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी, तो सप्तम भाव पर पड़ी हुई जातक की दृष्टि भी पत्नी के लिए शुभ मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ उच्च की दृष्टि पड़ जाती है। दर्शकों, शुभ शनिदेव अगर 11वें भाव में पड़े हों, शनिदेव 11वें भाव में पड़े हुए जो लग्न पर दृष्टि पड़ी, वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाएगी। बड़े भाई के लिए अच्छी हो गई, लाभ के लिए अच्छी हो गई, लेकिन हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी नहीं हुई। यहाँ से संतान के लिए ये दृष्टि अच्छी नहीं हुई। पंचम भाव पेट के लिए, लवर मास के लिए अच्छी नहीं हुई। यहाँ से जो 8वीं घर पर 10वीं दृष्टि शनिदेव की पड़ी, वो भी शुभ नहीं मानी जाती। शनिदेव अगर 12वें भाव में पड़े हों, पूर्ण जिंदगी कभी जातक का प्रोफेशन सेटल होने ही नहीं देते। ऐसे जातक को सदैव सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी नेटिव लैंड छोड़कर बाहर चले जाइए, अगर बाहर चले जाएंगे वहाँ जॉब कर लेंगे तो ज़्यादा सेटलमेंट अच्छी रहेगी आपकी। यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी संबंधी भी हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। यहाँ से दृष्टि डाली छठे भाव में, रोगिणी शत्रु दुर्घटना मुकदमा संबंधी भी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। यहाँ से दृष्टि डाली 10वीं जो नवम भाव पर, उसके संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स, पिता से मनमुटाव बना रहना, धर्म को ज़्यादा ना मानना, विदेश यात्रा करना, विदेश में सेटल होकर के दिक्कत परेशानियों की बढ़ोतरी देते ही रहते हैं। एक बात सदैव याद रखिएगा दर्शकों, इस लग्न कुंडली में नीलम धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी प्रॉपर विद्वान की सलाह लेने के बाद कभी वो नीच का धारण मत कीजिएगा, 6, 8, 12 में धारण मत कीजिएगा। अगर अस्त अवस्था में है तो अपना प्रोफेशन सेटल करने के लिए कहीं भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उदय अवस्था में हो तो ना तो लग्न में, ना 6, 8, 12 में ये धारण कभी नहीं किया जाता, ये सदैव ध्यान में रखिएगा। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए, अगर आपके शनि राहु केतु खराब हों तो सदैव अपने बुजुर्गों की आशीष सुबह शाम लेते रहिए, वो जितने मर्जी खराब राहु केतु हों उनसे निकलने का रास्ता आपको ज़रूर दे देंगे। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 27/11/2011 को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर ज्योतिषियों द्वारा किया जाएगा।